अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज प्रोग्राम बनाया है जेफरीज में जाने का, मैं आपको तफसील बाद में बताऊंगा। ये हमारे शहर के करीब एक बहुत अच्छा बीच है और शहर है, तो निकल रहे हैं जेफरीज बे की तरफ। चले आपको लेके चलते हैं। अब हम निकल रहे हैं पोर्ट लूबस से जेफरी बे के लिए। ये तकरीबन एक घंटा या डेढ़ घंटे की ड्राइव है और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, ऑल क्लाउडी है और गर्मी है, क्योंकि गर्मी है तो इसलिए बीच पर भी जा रहे हैं। तो देखते हैं, बहुत अच्छा खूबसूरत शहर है, आपको भी दिखाते हैं। खुद भी घूमते काफ़ी अर्से बाद जा रहा हूँ मैं भी, टाइम नहीं मिला, बिजी तो मैंने चले हम निकलते हैं। ये हमारा मालाबार है जहाँ हम रहते हैं। पहले मैंने आपको दूसरी साइड से एक दफ़ा वीडियो में दिखाया था, आज ये दूसरी साइड है निकल रहे हैं। ये सामने हमारा कम्युनिटी सेंटर है, आज कोई फंक्शन चल रहा है इसमें। कैन यू फिल अप नाउ और लेटर योर हाफ अ टैंक, फिल इट अप नाउ। चले जी, पेट्रोल फुल कर लिया है, खर्चा स्टार्ट हो गया है, हम निकलते हैं स्लोली स्लोली। ये पेट्रोल पंप है, यहाँ से निकल रहा हूँ। ये सामने देखें ग्रीन ग्रीन शहर है, ये मदरसा है, सामने मस्जिद है। सामने अभी मैं यहाँ से जहाँ से टर्न कर रहा हूँ उसके बिल्कुल सामने जो आपको नज़र आ रहा है ग्रीन ग्रीन एरिया, ये सारा कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड। अब ये हम यहाँ से निकल, अभी आपको थोड़ा सा आगे चल के छोटे छोटे मीनार जैसे नज़र आएंगे, वो हमारी ईदगाह है। हर चीज़ हमारे करीब करीब है। ये भी आपको लेफ्ट साइड पे शायद नजर आ रहा है, शायद ना नजर आ रहा है। इस राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है आपको मीनार टाइप, ये वाइट वाइट, ये सारा ईदगाह है, यहाँ हम लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं। बाहर कितना डार्क हो गया,
और डार्क हो गया। टाउनशिप है, छोटे छोटे टाउनशिप है, बड़े बैंगलोर नहीं है, टाउनशिप है ये। देखे साइड पे ग्रीनरी, देखे पहाड़ों को, पूरे पूरे पहाड़ हमारे लश ग्रीन, लश ग्रीन। यार ड्राइव पता नहीं लगता कि ड्राइव कर रहे हैं, कितना ग्रीन है रोड। देखे ये हाईवे है, जबरदस्त है। लेफ्ट हैंड साइड इधर पहाड़ है, इधर खाई है, और रोड देखे कितने सेव किया उन्होंने, स्टील बार लगा के। ऑल द रोड्स आर वेरी क्लीन, बहुत साफ सुथरे हाईवे है, मगर आपको देखा चला कोई ज्यादा नहीं आया। देखा इस साइड में, देखा ब्यूटीफुल रोड्स।
See that road turning, how they make the signs and everything beautiful. कुदरत के नज़ारे हैं साउथ अफ्रीका में, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत खूबसूरत है। फिर हमारा समंदर स्टार्ट हो गया, बिकॉज सारे कोस्ट लाइन है। ये जेफरीज बे का टाउन स्टार्ट हो गया है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डाउनटाउन। ये डाउनटाउन स्टार्ट हो गया, आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाते हैं शहर के अंदर आपको दिखाते हुए। अच्छा छोटा सा टाउन है, साथ है। अब तो बढ़ता जा रहा है, पहले तो ये सब नजर भी नहीं आता था, अभी देखा कितने बड़े बड़े टाउनशिप स्टार्ट हो गए, शहर बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बढ़ गया, फैल गया। या तो काफी अरसे बाद मैं विजिट कर रहा हूँ जेफरीज बे को, काफी अरसे के बाद सारे घर नए बने हुए राइट हैंड साइड में, इट्स ऑल न्यू आई थिंक।
अच्छा पॉइंट है और हमारे पोर्ट एलिजबेथ से करीब भी है, तो यहाँ पे बहुत सारे हॉलीडे स्पॉट्स हैं, हॉलीडे रिजॉर्ट्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, बीच होटल हैं, लोग आते हैं दो दो तीन तीन दिन के लिए स्टे करके वीकेंड्स पे निकलते हैं। वैसे तो है टाउन भी है, लेकिन ये कि हॉलीडे पॉइंट भी बहुत अच्छा है, क्वाइट टाउन है। पॉपुलेशन भी मोस्टली जो है यहाँ पे गोरों की है। सर्फिंग इसको बोलते हैं, बोट सर्फिंग, वो बेहतरीन यहाँ पे होती है क्योंकि यहाँ पे जो समुद्र में वेव्स है ना बहुत तेज होती है। अक्सर वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह जो होती है इसकी सर्फ बोर्ड की वो इधर होती है। बेस्ट वेव्स इन द वर्ल्ड, या द बेस्ट वेव्स इन द वर्ल्ड इज देयर। एक और ब्यूटी भी है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल हमारी जो कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, उनकी फैक्ट्री शॉप्स भी हैं। अभी दिखाता हूँ मैं, बिलाबोंग है, जीप है, और दो तीन कंपनियाँ बड़ी बड़ी हैं, उनकी फैक्ट्री शॉप भी यहाँ पर है। जेफ्रीज बेस सर्फ विलेज 1 किलोमीटर। सारे ये हॉलीडे फ्लैट्स हैं, आप वीकेंड के लिए हायर कर सकते हैं। Yeah.
हाँ जी, बीच का नज़ारा भी देख ले, लेकिन बीच पे ठहर के आते हैं, पहले मार्केट घूमते हैं फिर आते हैं बीच की तरफ। यूज ओनली वन पॉइंट ऑफ योर पेट्रोल एंड यू लेट मी फिल अप द टैंक, यू सी ओनली वन पॉइंट गोइंग डाउन, इट्स गुड टू फिल अप। You must buy you a sunnet. Go to park. Billabong. Yeah, Billabong. First factory shop in the Jeffrey's way. We arrived here. Finally, arrived here. This. ये जी रेंगलर और जीप वालों की फैक्ट्री शॉप है यहाँ पे, सारा सामने आपको गाय भी नज़र आ रही है, गाय भी दिखा दूँ। क्विक सिल्वर डी एन जी जीप अब है यहाँ पे, ये आके बैठे हैं यहाँ पे। सनशाइन नहीं है लेकिन गर्मी है, गर्मी ठीक ठाक है। ढूंढ रहे हैं आइसक्रीम, अगर मिल जाए तो आइसक्रीम खाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। मेरा रेस्टोरेंट और कॉफ़ी टाइप एरिया है यहाँ पे, कॉफ़ी वगैरह रेस्टोरेंट आइसक्रीम वगैरह इन सब चीज़ों के लिए। मेन्यू मिल गया है मेरा ख्याल, आइसक्रीम का आ रहा है, देखते हैं। और जैसे सारा हमारा फैक्ट्री शॉप है यहाँ पे, यहाँ से समंदर भी नजर आ रहा है। अभी चलते हैं थोड़ी देर में समंदर पे। ये जी व्यू पीछे हमारे, और आइसक्रीम टाइम, फ्रेरो, सब फ्रेरो आइसक्रीम, वी गोना हैव फ्रेरो।